सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। चीन के बाद गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। 2022-23 में विश्व बाजार में भारत 12 मिलियन टन निर्यात करने की क्षमता रखता है। ब्लूमबर्ग सर्वे में जो व्यापारी के 5 अनुमानों के औसत के मुताबिक रिकॉर्ड पर सबसे अधिक है। अमेरिकी कृषि विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021-22 में 8.5 मिलियन टन के शिपमेंट की तुलना में यह सर्वाधिक है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले ही कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी थी। विश्व के कई स्थानों पर सूखे ने वैश्विक उत्पादन को कम कर दिया है, वहीं मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। यही वजह है कि विश्व खाद्य लागत रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है। जंग की वजह से शीर्ष उत्पादक क्षेत्रों से शिपमेंट को रोक दिया गया है, जिससे दुनिया में तकरीबन 1/4 से अधिक गेहूँ की सप्लाई में कटौती करनी पड़ी है। यूक्रेन में युद्ध से पहले वैश्विक खाद्य कीमतें बढ़ी थी, वहीं अब इसमें और तेजी देखने को मिली है। भारतीय गेहूं निर्यात से बाजार को तंग वैश्विक आपूर्ति की स्थिति में मदद मिली है, जो सालाना लगभग 1.2 मिलियन टन अनाज का कारोबार करता है। ये वैश्विक कीमतों को कम रखने में मदद करता है। अगर भारत बड़ी मात्रा में गेहूँ का निर्यात नहीं कर रहा होता तो शायद कीमतें और बढ़ जाती। शिकागो में बेंचमार्क गेहूं की कीमतें रूसी आक्रमण के बाद इस महीने 13.635 डॉलर प्रति बुशल के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। आपूर्ति में कमी और प्रमुख निर्यातक देशों से अनाज की बढ़ती कीमतों ने भारतीय गेहूं को वर्षों में पहली बार प्रतिस्पर्धी बना दिया है। इसके साथ ही भारत के पास एक बड़ा निर्यात योग्य अनाज स्टॉक में है। यह उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में आयातकों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां एक देश से भी अधिक समय पहले बढ़ती खाद्य कीमतों ने हिंसक विद्रोह को जन्म दिया था। भारत ज़्यादातर अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश और कुछ मध्य पूर्वी बाज़ारों में गेहूं निर्यात करता है, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब गेहूं निर्यातकों को अब पूरे अफ्रीका और मध्य पूर्वी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में खरीदार मिलने की संभावना है। वहीं वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि भारत दुनिया के गेहूं के शीर्ष खरीदार मिस्र को गेहूं की शिपमेंट शुरू करने के लिए अंतिम बातचीत कर रहा है, जबकि चीन, तुर्की, बोस्निया, सूडान, नाइजीरिया और ईरान जैसे देशों के साथ अभी चर्चा चल ही रही है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से एक साल पहले के 10 महीनों में भारत से गेहूँ का निर्यात पहले ही 4 गुना से अधिक बढ़कर लगभग 6 मिलियन टन हो गया था। मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।